हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, फाइनली आपका ईएमआरएस के लिए जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए एडमिट कार्ड की जो सिटी होती है, यानी कि पूरा एडमिट कार्ड नहीं आया, अभी केवल आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपका किस सिटी में एग्जाम पड़ा है और किस जगह पढ़ा है और किस टाइम में पढ़ा है, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। टाइम और सिटी आपको पता चल जाएगी किस सिटी में आपको एग्जाम पढ़ा हुआ है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बता दिया कि फुल जो शेड्यूल है ये हमारे इस तरफ से वो आउट कर दिया गया। देखिए, कल डेट जारी की गई थी 16, 17, 23 और 24 दिसंबर, और आज की डेट में उसका फुल शेड्यूल जारी कर दिया गया, यानी कि किस किस डेट में किस दो शिफ्ट है पर डे में, तो किस शिफ्ट में किस पोस्ट के लिए एग्जाम है, किस डेट में किस पोस्ट के लिए एग्जाम, ये पूरा बता दिया है। इसके पहले मैंने वीडियो डाल दिया, अगर नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल पर जाइए, ये मेरा चैनल है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा वाली वीडियो, ठीक है। एक सेकेंड रुकी, जस्ट देखिए ये वाला मैंने जस्ट वीडियो डाला हुआ है, यहाँ पर मैंने फुल एग्जाम शेड्यूल के बारे में बात की हुई है, ठीक है। तो इसको देख लेना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। 37,000 से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज़, इसमें इस वीडियो में बताने वाला हूँ एडमिट कार्ड की जितनी भी लिंक्स हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है, ये लिंक्स हैं, सारी लिंक्स जो हैं वो आउट कर दी गई हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो किस तरीके से आप अपनी जो सिटी है उसे चेक कर सकते हैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, और किस सिटी में आपका एग्जाम, एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ ना, चलिए तो यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो हम चलते हैं ईएमआरएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर, तो हमें ईएमआरएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये मेरा कर्सर है वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सेलेक्शन एग्जाम है, ESSEC 2023। यहाँ पर आपका पोस्ट दे रखी है, किस पोस्ट का किस शिफ्ट में ये एग्जाम है, और OMR बेस्ड का एग्जाम होने वाला है। इसी के नीचे आपको देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि द एग्जामिनेशन सिटी अलॉटेड टू द कैंडिडेट हैज़ बिन डिस्प्लेड इन देयर एप्लीकेशन लॉग इन सिंस देयर आर मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट इन भोपाल, हैदराबाद, ठीक है, और ये बोला गया जयपुर, लखनऊ एंड विजयवाड़ा, ठीक है। तो डिस्प्ले देयर एप्लीकेशन लॉग इन सिंस देयर आर मोर नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो इनके जो एग्जाम सेंटर है वो भी बाहर जा सकते हैं, अदर सिटी में, देखिए अदर नियर बाय सिटी में आपके जो एग्जाम सेंटर हैं जा सकते हैं, इन इन अगर आप इन इन स्टेट से आपने अगर फॉर्म भर रखा है, ठीक है। ऐसा इन्हें बोला गया, सम ऑफ द कैंडिडेट हु हैड ऑप्टेड दीज एग्जामिनेशन सिटी हैव बीन अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर इन दीज न्यूली आइडेंटिफाइड सिटीज फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि क्या है, इन रीजन में ज़्यादा कैंडिडेट आ गए तो इनको बाहर अलग दूसरी सिटी में भी भेजा जा सकता है, इनका ये कहना है। द रिक्वेस्टेड फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सिटी विल नॉट बी एंटरटेन, और आपकी सिटी की जो अगर आपको चेंज करना है तो वो आपकी चेंज नहीं की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर बोला द फॉलोइंग लिंक्स मे बी यूज टू व्यू अलॉटेड एग्जामिनेशन सिटी एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका पहला वाला जो है प्रिंसिपल के लिए, ये वाली लिंक आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रिंसिपल की जो वेबसाइट है मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने क्लिक किया यहाँ पर, तो ये आपका ये वेबसाइट है ओपन हो रही है, ठीक है, हालांकि दो जगह हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ये हमारे रिक्रूटमेंट 2023 फॉर प्रिंसिपल, दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन वगैरह आप डाल देंगे तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी कि किस शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है, वो किस सिटी में और किस डेट में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। चलिए इसको मैं बैक कर लेता हूँ और यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रुकिएगा, ये सर्वर का थोड़ा इशू चल रहा है, एक सेकंड थोड़ा होल्ड कीजिएगा, अभी घूम ही रहा है ये, घूम ही जाए, तब तक के लिए मैं आपको कुछ अपडेट देता हूँ। देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर 15,000 से ज़्यादा कैंडिडेट हुए, तो जाके नीचे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उसे ज्वाइन कर लेना, या डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर इसे सर्च मारेंगे तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारी अपडेट, सिलेबस वगैरह क्या है और किस तरीके से एडमिट कार्ड आपको डाउन करना है, ब्रह्मास्त्र रणनीति क्या होगी 20 दिन की, सारा कुछ PDFs वगैरह जो स्टडी की रहेगी वो आपको यहीं मिलने वाली है, तो उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए और आपके लिए एक सेकंड मैं इसको रिफ्रेश मार देता हूँ, तब तक ये होने वाला हो रहा है, ठीक है। और देखिए आपके लिए हिस्ट्री के 600 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, हिस्ट्री के, वो भी शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक पूरा लेके आने वाला हूँ। देखिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हम 578 क्वेश्चन, देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा, 578 क्वेश्चन तक हम यहाँ आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो एक ही वीडियो में आपको पूरा हिस्ट्री कम्प्लीट हो जाएगा, तो ये वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा, 1 से 2 दिन में मैं आपको ये प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए तो अब हमारा ये रिफ्रेश हो चुका है, तो इसमें देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना, ये प्रिंसिपल के लिए, अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अपना डाउनलोड करना चाहते हैं एग्जामिनेशन सिटी, किस एग्जामिनेशन सिटी पर, इस लिंक पे ऐसे क्लिक कर देंगे इस तरीके से,
तो यहाँ से आप ये अपना चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा हालांकि, है ना, ये पूरे यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें वो रखी हैं, ठीक है। चलिए तो इसका मैं लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी लिंक कर लेता हूँ और यहाँ से लेके मैं इसे यहाँ पर देखिए इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे कोई भी अपडेट आती है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये डाल दिए और यहाँ पर मैं आपके सामने ही इस पर टाइप कर देता हूँ कि ये हमारे नॉन टीचिंग पोस्ट, ठीक है। ये मेरी टाइपिंग स्पीड आपको दिख रही होगी, तो टाइपिंग स्पीड के बारे में भी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपकी टाइपिंग होती है, ठीक है। ये हमारे नॉन टीचिंग पोस्ट पोस्ट एडमिट कार्ड सिटी आउट, एडमिट कार्ड सिटी आउट, ठीक है। चलिए तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलिए तो आगे आने वाले वीडियोज़ में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो उसके लिए आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने फुल शेड्यूल बता दिया किस तरीके से चीज़ें होने वाली है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, बहुत जल्दी स्टडी की वीडियो आने वाली है आपके लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।